नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आसिफ खान। पेश है आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटी चैन। नगर परिषद चुनावों का नामांकन प्रक्रिया शुरू। अब खबरें विस्तार से। लगातार आए दिन वारदात बढ़ती जा रही है। दिन दहाड़े चैन स्नेचिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित भास्कर मेले में घूमने के लिए आया था। पुलिस का स्लोगन आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में आए दिन हो रही वारदातों से ये स्लोगन उल्टा होता दिखाई दे रहा है। जैसे अपराधियों के हौसले बुलंद और आमजन में भय। पानीपत हरियाणा से आया युवक मेले से निकलकर गौरव पथ पर आया तो पीछे से पल्सर सवार दो युवक उसके गले में चपट्टा मार उसकी सोने की चैन तोड़ कर ले गए। पुलिस से पहले पहुंची खबरें 24 की टीम ने जब पीड़ित से बात की तो उसने बताया कि दो युवक बगैर नंबर की पल्सर बाइक से चैन तोड़ कर ले गए। मैंने पीछे भागने की कोशिश की तो पीछे बैठा युवक पिस्तौल दिखाकर निकल गया। वैसे देखा जाए तो भिवाड़ी क्षेत्र के लिए चैन स्निचिंग, मोबाइल लूट, मोटरसाइकिल चोरी होना कोई नई बात नहीं है। ऐसी घटनाएं शहर में आम हो चुकी हैं, जिससे लोगों का घर से निकलना मुहाल हो चला है। उधर से मोड़ पे दो मोटरसाइकिल पे आए हैं लड़के और आकर गले में से एकदम ऐसे चैन खींच कर पूरी तेजी से हाथ में उनके कट्टा तमंचा था और दिखाया इधर पीछे की तरफ और पीछे की तरफ भागे हैं तो एकदम लाल नंबर प्लेट थी और कुछ नहीं था और लेकर भागे। नगर परिषद चुनाव के लिए दावेदार ने शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किए, जिस पर नगर परिषद कार्यालय में काफी भीड़ दिखाई दी। निकाय चुनाव के लिए नगर परिषद कार्यालय में पार्षद पद के दावेदारों ने NOC के लिए आवेदन पत्र दिया। गौरतलब है कि 7 नवंबर से 11 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जिसमें 45 वार्ड के उम्मीदवारों के पास महज 4 दिन का ही समय शेष बचा है। हालांकि दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा के लिए तैयार है। उधर निर्दलीय उम्मीदवार को नामांकन के लिए 5 प्रस्तावक होना अनिवार्य बताया। वहीं सामान्य श्रेणी के लिए 2000 जमानत राशि व आरक्षित श्रेणी वर्ग के उम्मीदवार को 1000 जमानत राशि जमा करानी होगी। नगर परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 43 के स्थानीय लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने शौकत को चुनाव मैदान में उतारा हो, लेकिन लोगों ने बताया कि अगर शौकत को टिकट नहीं मिला तो हम इस चुनाव में निर्दलीय लड़ाएंगे, क्योंकि अगर कोई विकास करवा सकता है तो वो शौकत ही है। आइए सुनते हैं वहाँ के लोगों की चुनावी चर्चा। अभी नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं और आज देखो वार्ड में कितनी गंदगी है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सर, हम यहाँ से शौकत भाई को लेकर आए हैं और उसको जिताएंगे। जो हमारा हाल का पार्षद है, उसने पूरी गलियों में जो भी है 5 साल में हमारे लिए कोई काम नहीं किया। हम उसके पास बार बार जाते हैं और हमें तसल्ली देता है भाई, आश्वासन भाई करूंगा, लेकिन कुछ नहीं करता है। इसमें अगले ये चुनाव आ रहे हैं, हम इसको शौकत भाई को लेकर आए हैं। देखो, हम टिकट की कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी। इसको BJP से टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय ही लड़ाएंगे। और तो क्या क्या उम्मीद है आप शौकत से? ऐसे नहीं कि कई वोटों की वजह से शौकत भी इस तरह से आज वोट मांग रहे हैं और वो जैसे चुनाव जीत जाते हैं वो भी इस तरह से आप नज़रअंदाज हो जाएं? नहीं, हमें पूरा विश्वास है शौकत भाई पे। उसने अभी तक भी गांव में जो भी है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के लिए जो भी है बहुत कुछ किया है। हीरा लाल जी, आपके नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं, आपके वार्ड से जो पार्षद, कितना संतुष्ट है आप उससे? हम जो है शौकत भाई से बहुत बड़ा संतुष्ट हैं, क्योंकि जो पहले से भी जो है 4-5 साल से अपने से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और गरीबों का जो है बिल्कुल जो है अपने पैसे रुपया देकर मदद करते हैं। शौकत के बारे में क्या, इसके बारे में कह रहे हैं क्या कोई अभी तक कोई नहीं, उसने कोई चुनाव नहीं जाता है कुछ? नहीं, चुनाव तो नहीं, पूरे गांव की सम्मति है बाहर के आदमियों के कि जो है शौकत भाई जो है खर्रा उतरेगा और पहले से भी जो है गरीबों का मदद किए हैं। हमारा पुराना पार्षद और जो भी लोग हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो भी हैं वो जो भी आता है पैसे वो अपने ऊपर खा जाते हैं, यहाँ तक राशन भी अपने जो है गरीब गुरबों को सबका खा जाते हैं। और शौकत को चुनाव और टिकट नहीं मिला तो वो किस तरह से आप उसके? हम उसको निर्दलीय चुनाव करेंगे, निर्दलीय चुनाव करके पूरा सम्मत से जो है चुनाव जिता कर लेकर आएंगे। उसमें कोई उम्मीद नहीं है कोई आने वाले जो है शक्ति बीच में आ जाए। आप पार्षद को देंगे जो गांव वाला सब देंगे जो जॉब देंगे हम तो? हाँ, हमको सुविधाएं ना मिली, न गाड़ी मिली, न कोई पानी को लाए, कोई राशन मिला ना, कोई कोई कंट्रोल तो कोई चीज़ नहीं मिल रही है, सब वही खा रहे हैं तो हम तो ऐसे नहीं। हाँ, हमने शौकत खड़ा कर रहा है क्या सब गाँव का, हमने तो हम शौकत को
संतुष्टि ये है सर कि आज 5 साल में दूसरों ने पर्षद था, आज तक ले गलियों में कुछ नहीं किया। आज कम से कम 2 साल से इनसे हमारी पर्ची हुई, आज भी उनकी छवि अच्छी है, मुझे भरोसा है ये शौकत का। तो ऐसे कैसे मानते हैं आप छवि अच्छी है? इसलिए कि हमारे वोटों के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं, 2 साल से जो है मिले हुए हैं, हमारी इनकी पर्चे है, अब मुझे भरोसा है कि ये कुछ करके दबाव में आप इसके बाद नहीं नहीं हम दबाव में वाला काम ही नहीं करते, हमें भरोसा है कि कुछ करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएं, कैसे आज से कुछ शौकत ने आज क्या क्या है इसलिए गलोने के लिए बारे में बात करने में हर चीज़ों में उनकी बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं भी आगे तक ले ये बात कर करके हमारी जो समस्याएं होगी वो हल करवा सकते हैं। तो आपकी जो पहले आप लोकल हैं या बाहर से हैं? नहीं, यूपी के रहने वाले। यूपी क्या लगता है आपको किस तरह से आप लोकल आदमी की सपोर्ट करेंगे या बाहर के लोगों को? जैसे बाहर के में कोई बंदा खड़ा हो गया तो क्या कहेंगे आप उसकी? अगर कोई भी अच्छा ही काम जो करेगा उसी का साथ देंगे, बाकी हमें तो लग रहा है कि ये अच्छा काम करेंगे क्योंकि हमारे 2 साल से करीब में बैठे हुए हैं, अब ये खड़े हुए हैं ना, पहले से भी मैं 2 साल से में ही जाऊँ, मुझे भरोसा है कि अच्छा काम करेंगे। मेरा नाम जयशंकर पांडे हुआ, मैं नया गांव दुर्गा मंदिर का पुजारी हूँ बाबू। आज मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस के शासनकाल में मैंने जो स्थिति को भुगता वह अब दोबारा भुगतने के लिए हमें वंचित करा जाए, और सरकार भारतीय जनता पार्टी अगर शौकत भाई को टिकट देता है तब भी ठीक, नहीं देती है तब भी ठीक, फिर भी हम निर्दलीय इसको उम्मीदवार चुन चुके हैं और सर्वसम्मति से पूरे नया गांव के वासियों अभी छठ पूजा के अवसर पर हमारे मंदिर के प्रांगण में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने इसको पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे दिया हूँ कि तुम्हारे को विजय प्राप्ति करके और मैं इस गरीब के गाँवों में बस्तियों में रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले आज तक कोई विधायक कोई सांसद कोई पार्षद यहाँ का कोई काम नहीं किया और ना करने को अवसर मिला। दूसरी बात, हमको सबसे बड़ी शिकायत है जब कभी रिको आता है ये गांव को बस्ती को हटाओ, कभी झुग्गी को हटाओ, कभी झोपड़ियों को हटाओ, हमारे 5 परिवार का ऐसे दृंदेगों को उजाड़ दिया गया। आज तक हमारे नवाब साहब सांसद स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते हुए भी हमारे पास नहीं पहुँचे कि यहाँ 5 परिवार का कौन सा झुग्गी तो उजाड़ा गया। ये शौकत भाई को 20 बरस से मैं जानता हूँ, यह हमारे को उस टाइम भी मदद करने के लिए खड़ा हुआ था कि आप बाउंड्री करो और बाउंड्री करो उसमें हम मदद करेंगे, घर बनाओ हम मदद करेंगे। इसलिए पूर्ण सहमति से हम पूरे नया गाँव इस शौकत भाई को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी खड़ा करेंगे। नगर परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जहाँ बीजेपी दावेदार लाइन लगाकर खड़े हैं, वही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ए.के. शर्मा से खबरें 24 के संवाददाता कुलदीप मावर की खास चुनावी चर्चा। लोगों की सोच यह है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, शायद बीजेपी में ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो वो लोग होते हैं जिनका कोई बेस नहीं था, जो कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस में ही आ रहे हैं, जो वहाँ पर जो भीड़ हो रही है बीजेपी में जो भीड़ हो रही है वो एक्चुअली बीजेपी के मेम्बर्स नहीं है, लेकिन आज हमें बेनिफिट मिल सकता है, आज हमें हो सकता है टिकट मिल जाए, तो रिदम टाइप बना हुआ है कि भाई हम वहाँ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो गए लोगों को मना किया जा रहा है वो फिर वापस कांग्रेस की तरफ आ गए। बीजेपी के दावेदार मतलब लाइन लगा के खड़े हुए करीब 200-250 फॉर्म में उनके सबमिट हुए जमा हुए, लेकिन आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है हर वार्ड के अंदर। ये तो होगा पब्लिक ईमानदारी के साथ, कुछ ही लोग होते हैं जो ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, मौका परस्ती बहुत ज़्यादा होती है। आज गवर्नमेंट बीजेपी की बनी हुई है तो बीजेपी के फेवर में, कल यही गवर्नमेंट कांग्रेस की है होगी तो वो सारे कांग्रेस में होंगे, तो ये तो होता है, लेकिन इन सब में एक सर्टेन परसेंटेज होती है जो कांग्रेस की है बीजेपी की है, वो अपनी जगह नहीं बदलेगी, वही आदमी हैं जो काम करते हैं, वही आदमी जो आगे चले। बीजेपी ऐसी क्या रणनीति से इलेक्शन लड़ रही है, ऐसी क्या रणनीति से मैदान में उतरी है जो कि कांग्रेस तो बिल्कुल ही पीछे है? वो रणनीति नहीं है, झूठ बोलने का है, कांग्रेस झूठ नहीं बोल पा रही है, वो झूठ आप सेंटर जब पहले स्टेट वो इलेक्शन हुए सेंटर के इलेक्शन में, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन में बीजेपी क्यों नहीं आई? उसकी वजह है कि जब विपक्ष में होते हैं या सत्ता से बाहर होते हैं हम बड़े लुभावनी बातें करते हैं, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, लेकिन जब हम सरकार में आए तो हमारे सामने वही दिक्कत आई कि हम कैसे करें। आज बीजेपी के हाथ में
एक भी स्कीम नई नहीं है, एक भी सिंगल स्कीम जो गहलोत सरकार ने दी थी वो स्कीम्स को किसी का नाम बदल दिया, ज़्यादातर को तो बंद करने की नौबत आ गई या नाम बदल के चलाया जा रहा है, लेकिन एक भी नया काम, एक भी नई चीज़ जो उन्होंने वादे किए, आज हम महंगाई घटा देंगे, महंगाई सबके सामने है, आज हम लोगों को नौकरियां दे देंगे, नौकरियां बंद कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो नौकरियां बंद कर दी, आज हम रेलवे लाइन का ये कर देंगे, अलवर का स्पेशली अलवर का टोटल जो प्रोग्रेस थी, टोटल जो विकास कार्य चल रहे थे बंद कर दिए गए, बहाना हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास सोर्सेज नहीं, हमारे पास गवर्नमेंट का मतलब होता है वो सोर्सेज पैदा करे, वो प्रगति करे, वो विकास करे, बहाने नहीं चलते। आज जो लग रहा है, जो जो अगर मैं यहाँ पे बीजेपी का लोकल लीडर हूँ तो मैं हर एक को ये वो दूंगा कि साहब तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें ये करा दूंगा, तो लोग भाग के उसके तरफ हो जाते हैं। कांग्रेस झूठे वादे नहीं कर रही, कांग्रेस ये नहीं कह रही कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, हम तुम्हें भिवाड़ी में आज मुझे आप ताजुब करेंगे, भिवाड़ी में कांग्रेस का अध्यक्ष एक, बीजेपी के 15, ये इस प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, ये इस प्रकोष्ठ का, मायने क्या है ये सिवा झूठ बोलने के, क्या है उनका, लोगों को लॉलीपॉप देने के सिवा क्या है उनका, ये फर्क है, दोनों की नीतियों में फर्क है। भिवाड़ी एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, देखा जा रहा है कि दिन पे दिन वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ रही है भिवाड़ी में, आए दिन गोलियां चल रहा है, कानून व्यवस्था नाम की चीज तो खत्म है यहाँ पे, यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है, पुलिस ही जो पुलिस पब्लिक को रक्षा करने के लिए बनाई गई वही लोगों को मर्डर कर रही है, बदमाश को पकड़ने का तो सवाल ही खत्म हो गया, बदमाश तो पकड़े क्यों जाएंगे, आए दिन यहाँ पे फोनों पर धमकियाँ मिल रही हैं, आए दिन यहाँ पे वारदात हो रही है, दुकानें लूट जा रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, कहीं पुलिस को लगता है कि आम पब्लिक पुलिस पे विश्वास करती है क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने महसूस किया कि पब्लिक में, बदमाशों में पुलिस का डर है? नहीं है। कारण क्या है? कारण है हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेशन दे ही नहीं सकते, हम चाहते ही नहीं कि यहाँ पे शांति बने, हम इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, डिस्टर्ब हो जाए किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए तो हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। भिवाड़ी, ये बड़ा अच्छी चीज बात बताने जा रहा हूँ, भिवाड़ी एक ऐसी सभ्यता का शहर है जहाँ मेव और गुजर यादव तीनों जातियाँ मिल के काम कर रही थी, मिल के रह रही थी, आज धीरे धीरे स्थिति आती जा रही है कि हिंदू अलग होता जा रहा है, मेव अलग होता जा रहा है, जो भिवाड़ी की स्थायी शांति थी वो खत्म होती जा रही है, उसका मेन क्रेडिट बीजेपी को जाता है, ये जो क्रेडिट है इसका ये बीजेपी को जा रहा है, जब तक कांग्रेस रही अलग नहीं हुए। नहीं, अगर देखा जाए तो एक दो दिन में दो हादसे, मतलब कुछ दिन में दो हादसे गोली कांड के, तो एक में तो दो दिन में ही अपराधी को पकड़ लिया जाता है और एक हादसे में 11 दिन तक उसकी FIR लॉन्च भी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग के तहत सारा काम नहीं होता। देखिए, जो आप जिस हादसे की आप बात कर रहे हैं, पुलिस वालों ने एक आदमी को नौगांव में घर में घुस के मारा, उसकी 11 दिन तक FIR लॉन्च नहीं हुई, मारा उसको, उसके बाद जब पब्लिक जब भंवर जितेंद्र जी हमारे पूर्व मंत्री वहाँ नौगांव आए और उन्होंने आंदोलन छेड़ने की बात की, उसके बाद एक सिपाही को अरेस्ट कर लिया गया, उस अरेस्ट के बाद वो आदमी, वो सिपाही, हमारी पुलिस फोर्स, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक इस्तगासा दायर करता है उस परिवार के खिलाफ जिसका बच्चा मार दिया गया। अगर मैं बात मान लूँ, पब्लिक समझ सकती है, अगर इस्तगासे के हिसाब से बात की जाए, पब्लिक ने, उनके घर वालों ने, उनके परिवार वालों ने पुलिस की जीप को घेरा था, पत्थरबाजी की थी, इस्तगासा में बोला गया, ये 11 दिन बाद रिपोर्ट हुई है। अगर ऐसा हुआ था तो जिस दिन ये वारदात हुई उसी दिन FIR लॉन्च क्यों नहीं की गई पुलिस द्वारा कि हमें घेर लिया गया था, हमें अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। एक स्टेटमेंट अगर आप वहाँ गए हो, आपने महसूस किया, सुना हो, वो सिपाही जिसने गोली चलाई उसने कहा जी मुझे तो AK-47 चलानी नहीं आती, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है, एक अनाड़ी आदमी को AK-47 पकड़ा दी जाती है, हम एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं या बैलगाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार सोई हुई क्यों है? वसुंधरा जी यहाँ आती है, भिवाड़ी में आती है, जिस कांड को इतना बड़ा कांड ये रूप लेता जा रहा है उसमें उन्होंने 2 मिनट उन आदमियों को सांत्वना नहीं दी, शांति नहीं दी, उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं की कि उनको शांति दे दें, क्या ये शांति बहाल हो जाएगी इस एरिया में? नहीं होगी, मैं कहता हूँ नहीं होगी। चलते चलते एक नज़र हेडलाइंस पर।
बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटी चैन। नगर परिषद चुनावों का नामांकन प्रक्रिया शुरू। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।